अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। हमारा उद्देश्य ये है कि अग्रवाल अग्रवा विकास ट्रस्ट जो हमारे अग्रवाल कम्युनिटी का एक ग्रुप है उसमें सिर्फ अबव 40 पार्टिसिपेंट करते थे, तो APL का हमारा ये उद्देश्य था कि यूथ भी आए और पार्टिसिपेट करे हर इवेंट में, और क्रिकेट से बड़ा कोई इवेंट हो नहीं सकता दो यंग और एक्सपीरियंस लोगों को साथ में लाने का। तो यही उद्देश्य के साथ हमने APL ऑर्गेनाइज़ किया है। आपने भी देखा होगा इसके अंदर चार प्लेयर्स यंग हैं और चार प्लेयर्स एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन के साथ हमें आगे भी काम आएंगे और इवेंट्स में भी। यहाँ पे हम 12 टीम खेल रही हैं, 10 टीम मेंस की हैं और 2 लेडीज़ की टीम है, और ये टीम्स पूरे मुंबई से आई हैं, मुंबई, नवी मुंबई, थाने सब मिला के। अग्रोहा विकास ट्रस्ट मुंबई की स्थापना हुई थी क्योंकि अग्रोहा का उत्थान हम लोग चाहते थे, और यहाँ पे हमारे 10,000 के करीब मेंबर्स हैं जो यहाँ कार्यरत हैं। जूनियर्स और सीनियर्स एक साथ मिलकर के एक ही प्लेटफॉर्म पे काम कर सकें, इसलिए हमने इस टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करने का सोचा था। यूथ और बुज़ुर्गों की शक्ति अगर मिलकर के काम करेगी तो हम बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं इसी उद्देश्य से, और फेलोशिप तो है ही साथ में। पहले हम लोगों ने पिछले साल जब ऑर्गेनाइज़ किया था तो 8 टीमें खेली थी, अब की बार हमारी 10 युवाओं मतलब पुरुषों की टीम खेल रही हैं और 2 महिलाओं की टीम खेल रही हैं, टोटल 12 टीम खेल रही हैं। अगले साल हमारी 16 टीमें पुरुषों की खेलेंगी और 4 टीमें लेडीज़ की खेलेंगी। ये 20 की ऑर्गेनाइजिंग का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और हमारी ये टूर्नामेंट 2 साल से यहाँ पर चालू हुई है और पिछले साल के मुकाबले इस साल 300% ग्रोथ ज़्यादा है,
और हम सोचते हैं कि अगले साल जब होगा कार्यक्रम यहाँ पर होगा तो हमारे कम से कम 5 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर आकर के इसका अवलोकन करेंगे। जब युवा पीढ़ी हमारे साथ में मिलकर के काम करती है तो हमारे संस्कारों के अंदर वृद्धि करने का काम होता है और कल का भविष्य है हमारा युवा और भारत का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए, अग्रवालों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए इस प्रकार के टूर्नामेंट्स की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए हमने इसको ऑर्गेनाइज़ किया। की बार हमारे 10, जैसे हम बताया कि 10 पुरुषों की टीम और 2 लेडीज़ टीम है और जो रिस्पांस हम देख रहे हैं वो रिस्पांस के हिसाब से अगली बार भाई साहब ने जैसे बताया हमको 20 टीम का एक्सपेक्टेशन है, उसमें 4 टीमें कम से कम महिला की और 16 टीमें हमारी पुरुषों की होगी और इस और बड़े स्तर में हम काम करेंगे, बड़े स्तर पे इसका आयोजन किया जाएगा और 4 से 5 हज़ार लोगों के कम से कम इधर की गैदरिंग होगी, ऐसी हमारी अपेक्षा है। आज अग्रवाल परिवारों को ये एक ऐसा लग रहा है कि हमारे परिवार का बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, सब लोग बहुत खुशी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लेडीज़ बच्चे सब हर तरह का एंजॉय हो रहा है, मतलब ये हमारी एक तरह से एक्सटेंडेड फैमिली है, अग्रवाल परिवार हमारा एक्सटेंडेड है, ये देखकर बहुत मन हर्षित होता है और बहुत उल्लास के साथ में लोग इसका मजा ले रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य आज के मैच का इसलिए था कि लोगों को इकट्ठा करके एनवायरनमेंट के बारे में सचेत किया जाए और जो हानि हम एनवायरनमेंट को कर रहे हैं उसको कम से कम हानि करके और उसको सुधारा कैसा किया जाए उस बारे में हमारा टारगेट था आज के मैच में। अग्रवाल विकास ट्रस्ट वासी समिति ने ये आयोजन पिछले साल फरवरी 2018 में 19 में शुरू किया था और ये सेकंड ईयर हम लोग कर रहे हैं। पहले साल हमारी 8-9 टीमें खेली थी, अभी 12 टीमें खेल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारे अग्रवाल परिवारों को जोड़ के एकत्रित करके यहाँ पे एक आयोजन सा महसूस कर रहे हैं सब लोग और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर भी हम लोग इससे डबल आयोजन बड़ा अच्छा करेंगे। महिलाओं में बहुत बड़ा जोश है और हमें लेडीज महिलाओं को मना करना पड़ा कि भी इस बार दो ही टीमें खेलेंगी और हमें लगता है कि हमारे को विद इन 6 मंथ ये वापस आयोजन करना पड़ेगा ओनली महिलाओं को लेकर।